प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, घोटाले की जांच पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी से कराई जाए, हिंडनबर्ग पर संजय सिंह का मुतालबा। आप रोक ने पार्लियामेंट संजय सिंह ने हाल ही में जारी की गई नई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हवाले से सेबी की चेयरपर्सन माधवी भिज और वजीर आजम मोदी पर निशाना लगाया। उन्होंने क्या कहा, इस पूरी खबर में आपको ये तफसील बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की जानिब से सेबी की चेयरपर्सन माधवी के खिलाफ इल्जाम के बाद इस मामले पर सियासत तेज हो गई। इस सिलसिले में AAP के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इतवार को इल्जाम लगाया कि डूबती हुई हिंदुस्तानी कंपनियों के शेयर्स गैर मुल्की जाली कंपनियों के जरिए रकम देकर खरीदे गए। इसकी वजह से मुल्क के लोगों ने इन कंपनियों के शेयर भी खरीदे, जिसकी वजह से मुल्क के लोगों को 8.50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सेबी इसकी तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी और उनके शौहर ने इन जाली कंपनियों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि सच और हकाइक छुपाए गए थे। लोगों को 8.50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जब तक नरेंद्र मोदी इख्तदार में रहेंगे, अडानी के मामलों की छानबीन नहीं हो सकती। अगर नरेंद्र मोदी में ज़रा बराबर भी इख्तलाफात मौजूद हैं तो उन्हें वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देना चाहिए और इसकी तहकीकात के लिए पार्लियामानी ज्वाइंट कमेटी तश्कील देनी चाहिए। इसके बाद ही मामले की शफाफ जाँच हो सकती है। संजय सिंह ने मजीद कहा कि 18 माह कबल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि दुनिया के तमाम स्कीमर्स को इकट्ठा किया गया और बैरूनी मुल्क जाली कंपनी बनाकर हवाले के जरिए रकम भेजी गई। इसके बाद हिंदुस्तान की इन डूबने वाली कंपनियों के हिस्से उन्हें कंपनियों के जरिए खरीदे गए। शेयर्स में अचानक इजाफे से मुल्क भर के लोगों ने भी इन कंपनियों के शेयर खरीद लिए। इस तरह मुल्क के अवाम को धोखा दिया गया। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मामलात की जांच कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि तफ्तीश कहां तक जाएगी, कुछ गलत हो गया है ये नहीं बता सकते कि किसने गलत किया है। सेबी की तहकीकात का कोई फ़ायदा नहीं, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी है उसका भी कोई मतलब नहीं है।